Ladies and gentlemen, today we have among us a doctor, a savior, Dr. Shehnaz Khan. She completed her MBBS from Fatima Jinnah Medical College. Though she is a doctor, but also a social activist, she tries to improve the standards of society in every way that she could. She looks out for the poor and takes care of the ill. She is the founding member of International Youth and Workers Movement and member of the Central Committee. I welcome Dr. Shehnaz Khan on stage. Assalamu alaikum. तो आप लोग सुनना चाह रहे हैं कि औरतों की डेप्रिवेशन कैसी होती है, आपने सुन लिया। सब लोग एग्री करते हैं इससे कि वाकई डेप्रिवेशन होती है, औरतों की ऑप्रेशन होती है। तो मैं आपको एक और एंगल से एक बात बताना चाहूँगी। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि मर्दों की भी डेप्रिवेशन होती है, मर्दों की भी ऑप्रेशन होती है। कोई इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मर्दों की भी होती है? होती है? कितने हाथ खड़ा करें, कितने लोग समझते हैं कि मर्दों की भी डेप्रिवेशन होती है? तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ शक हो रहा है लोगों को। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट व्हाट इज डेप्रिवेशन। देखिए, डेप्रिवेशन का ये मतलब है जब आपको अपने हकूक नहीं मिलते, सही है ना? हकूक क्या होते हैं? बुनियादी हकूक जो अब हम नीचे से शुरू करें तो इसका मतलब है कि हर एक को खाने का हक होना चाहिए। और खाने के हक से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि आपको पेट भर के रोटी मिल जाए, इससे ये मुराद है कि आपको न्यूट्रिशियस फूड मिलनी चाहिए जिससे आपकी दिमाग की भी और जिस्मानी भी ताकत बढ़े और आप सोचने के लायक हो जाएं। आपको पता है पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन कितनी कॉमन है और उसकी वजह से बच्चों की जहनी कुव्वत जो है वो कम हो जाती है। तो ये पहला हक है। दूसरा हक उसके अलावा ये कि आपके पास कपड़े होने चाहिए, आपके पास शेल्टर होना चाहिए जो कि आपको मौसम की सर्दी गर्मी से बारिश से बचा सके। ये आपके बेसिक बुनियादी हक हैं। उसके बाद आगे चलें तो आप देखेंगे कि आपको एजुकेशन का हक होना चाहिए हर एक को। ये और एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि आप कॉलेज स्कूल में जाके आप डिग्री हासिल कर लें, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग का हक होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो उसको सिर्फ एक्सेप्ट करने के बजाय आप सोचें, अपने जहन से सोचें कि ये बात सही है या गलत है और फिर आप ख़ुद फैसला करें। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसका हर एक को हक होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हर एक का ये हक है कि वो फाइनेंशियली किसी और का मोहताज ना हो, क्योंकि वो मोहताजी आप सब मोहताजियों से ज़्यादा बुरी है। आपको मालूम है लेने वाला और देने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो, या आप किसी को देते भी हैं तो आप उसकी इज्जत नफ्स पे अटैक कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आगे चलें तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको ये हक होना चाहिए कि अगर आपकी कोई राय है तो आप उसको बोल सकें, बता सकें, उसको सोसाइटी में लोगों को कन्विंस कर सकें। और जो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको भी ये हक होना चाहिए कि वो अगर आपसे एग्री नहीं करते तो वो भी बोलें, उनका हक होना चाहिए। तो ये सारे हकूक हैं। अगर ये हकूक नहीं मिलते लोगों को तो क्या ये डेप्रिवेशन नहीं है? तो आपके ख्याल में क्या ये सारे हकूक सब मर्दों को मिलते हैं? वो लोग जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो किसान हैं, जो घरों में काम कर रहे हैं, जो चौकीदार हैं, जो क्लर्क हैं, क्या आपके ख्याल में उनको ये सारी सहूलतें मुहैया हैं? नहीं है ना। तो ये बात तो तय है कि ठीक है, औरतों की डेप्रिवेशन होती है लेकिन मर्दों की भी डेप्रिवेशन होती है। अब आप मुझे ये बताइए, इस हिसाब से तो आप देख लें तो पाकिस्तान में 80% आबादी जो है वो डिप्राइव्ड है मर्दें और औरतें मिला के। तो हमें ये देखना है कि वो लोग जो डिप्राइव होते हैं वो किन हालात में रहते हैं, उनके लिए क्या चॉइसेस होती हैं ज़िंदगी की। और मैं आपको, आपने सुना होगा शायद, एक वाक्या था कुछ दिन पहले कि सिंध में ड्यूरिंग इलेक्शंस एक किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट ने एक जो वो उस पर बैठी थी पोलिंग स्टेशन पे उसको मारा, याद है किसी को?
याद है ना? अच्छा, तो वो कौन ओप्रेस था और कौन ओप्रेसर था? वो औरत ही थी ना जिसने मारा, उसने औरत को ही मारा। तो क्या इससे ये मतलब है कि सारी औरतें डिप्राइव होती हैं, सारी औरतें जो है ओप्रेस होती हैं? नहीं होती ना। तो ऐसी औरतें भी हैं जिनके पास सब कुछ है। मैं तो ओप्रेस नहीं समझती अपने आप को, मुझे एजुकेशन का भी हक मिला है, मैंने शादी भी अपनी मर्जी से की है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, तो मैं तो ओप्रेस नहीं हूँ, सही है? इस तरह बहुत सी और औरतें ऐसी हैं जो ओप्रेस नहीं हैं, और बहुत से मर्द ऐसे हैं जो ओप्रेस्ड हैं। तो हम जब ओप्रेशन और डेप्रिवेशन को देखते हैं तो हम जेंडर के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, ये क्लास का इश्यू है। एक क्लास है जो दूसरी क्लास को ओप्रेस करती है। शायद ये आपको थोड़ी सी बात अजीब लगे या डिफरेंट लगे, क्योंकि आपको यही हमेशा बताया जाता है कि सिर्फ औरतें ही ओप्रेस होती हैं और ये जेंडर इश्यू है। दरअसल ये जेंडर इश्यू नहीं है, ये क्लास का इश्यू है। एक क्लास है जो दूसरी क्लास को ओप्रेस करती है। अब क्लास से हमारा क्या मतलब है? क्लासेस कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे ये तबकाती जो निज़ाम है ये कैसे कायम रहता है? क्लासेस आमतौर से मेन दो क्लासेस होती हैं। एक वो होती हैं जिनके पास दौलत होती है, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास जिनके बल बोते पे वो अपनी कुव्वत को, अपनी ओनरशिप को मेंटेन करते हैं, और उसी के बल बोते पे वो जो दूसरे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जो गरीब होते हैं, उन पर वो अपना तसल्लुत कायम करते हैं और उसको ओप्रेस करते हैं। सो देयर इज अ क्लास दैट हैज़ इट एंड देयर इज अ क्लास दैट डज नॉट हैव इट। The oppression and the deprivation comes from, not by gender. ये सही है कि औरतों की oppression ज़्यादा है because of various historical reasons, no question about it. But to say कि it is just a gender issue, that is not true. So there is an oppression of women and there is an oppression of men, and it is based on class. अब हम अगर ये देखें कि classes क्या होती हैं उसकी, अब ये आपकी society of researchers है ना, तो आपको research करनी चाहिए कि क्लासेस कहाँ से शुरू हुई, ये इस निज़ाम शुरू कहाँ से हुआ, कैसे क्लासेस बनी। तो अगर हम इंसानी मुआशरे की इर्तिका को देखें कि कैसे इंसानी मुआशरा शुरू हुआ और फिर अब तक कैसे पहुँचा, तो उसमें यह था कि जब शुरू में हंटर गैदरर्स सोसाइटी जब होती थी, जिसमें मर्द बाहर जाते थे और वो खुराक के लिए हंटिंग करते थे और घर लेके आते थे, और औरतें जो थीं वो घर के काम काज या बच्चों को देखती थीं, या फिर वो जड़ी बूटियाँ या बेरीज वगैरह करके खाने का इंतज़ाम करती थीं। उस वक्त ये होता था कि औरत और मर्द का जो काम था वो उसकी इक्वल सोशल वैल्यू होती थी, और सब चीज़ जो है वो मिलजुल के होती थी, तो हर एक की इक्वल रिस्पेक्ट होती थी और इक्वल डिग्निटी। कोई ओप्रेस नहीं होता था, कोई ओप्रेसर नहीं होता था। जो जितना जमा होता था उतना ही वो खर्च हो जाता था, तो कोई सरप्लस वैल्यू भी नहीं होती थी जिसकी बुनियाद पे कोई अमीर हो जाए, कोई गरीब हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसानी सोसाइटी ने, मुआशरे ने तरक्की की, तो उसमें ये हुआ कि ज़राअत के नए तरीके ईजाद किए गए, और बाय द वे ये ज़राअत के जो तरीके थे ये औरतों ने ही ज़्यादा ईजाद किए थे, क्योंकि वही घरों के आसपास रहती थीं। और इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुई, जिसकी वजह से ज़राअत के तरीकों में जिद्दत आई, उसकी वजह से लोगों ने फिर ज़मीनें शुरू की और गल्ला उगाना शुरू किया। अब उसमें क्या हुआ कि किसी ने ज़्यादा उगाया, किसी ने कम उगाया, जिसने ज़्यादा उगाया वो अमीर हो गया। उसने फिर क्या किया कि अपनी ज़मीनों पे काम करने के लिए उसने ग़ुलाम रख लिए, या किसी और मर्दों को वो उसने पे करके और काम कराना शुरू किया, और यहाँ से बिल्कुल क्लास सोसाइटी की ये नौजायदा शक्ल थी। इस यहाँ से क्लास सोसाइटी शुरू हुई जब किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम था। यहाँ से ओप्रेशन शुरू हुई जब वो मर्द जो ज़मीन की ओनर रखते थे उसने ओप्रेस करना शुरू किया उनको जो ज़मीन पे काम करते थे, चाहे वो ग़ुलाम हों चाहे वो उजरत पे काम कर रहे हों। अब यहाँ पे मर्द और औरत का क्या फ़र्क आया? उसमें ये फ़र्क आया क्योंकि औरत का जो काम था वो ज़्यादातर बच्चों को देखना था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उस पर कोई पैसा नहीं था, उससे कोई अमीर नहीं बन सकता था। अब क्या हुआ कि सोशली औरत के काम की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई, उसकी रिकग्निशन कम होनी शुरू हो गई। यहाँ से ये बात शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जब कैपिटलिज्म का निज़ाम आया या सरमायाकारी का निज़ाम आया,
तब ये ऑपरेशन आगे बढ़ती चली गई और ज़्यादा होती चली गई। और अब ये है कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें आप देखें तो औरतों को एज अ चीप लेबर यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी कोई ऐसे नहीं है कि औरतों को सब हकूक मिल चुके हैं, हालांकि यहाँ की निस्बत डेफिनेटली इट्स मच बेटर। तो मैं तो ये नतीजा निकालना चाहती हूँ इससे कि ऑपरेशन क्लास बेस्ड है, जेंडर डेफिनेटली अफेक्ट्स यू बिकॉज वेमेन आर ट्वाइस ऑप्रेस्ड, लेकिन ये कि ये सिर्फ जेंडर इशू नहीं है। अच्छा, अब पिछले 100-150 साल में बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स उठी हैं, तंजीमें हैं जिन्होंने के औरतों के हकूक़ के लिए काम किए हैं, औरतों के बारे में बात की है कि क्यों ऐसा है। और फिर भी अगर आप देखें तो इवन जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न या डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी औरतों को वो हकूक़ नहीं मिले अभी तक, तो उसकी क्या वजह है? अगर तो हम वही काम करते जाएंगे तो हम कभी भी वो उस तक नहीं पहुंचेंगे। और उसकी वजह यही है कि जब तक आप क्लास इश्यू पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप क्लासेस को एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये जेंडर इश्यू जो है या औरत की डेप्रिवेशन ये भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हम जब कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए तभी हर एक को उसका हक मिलेगा, उससे हमारी क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि जब के हर सोसाइटी में जो भी इंसान है, चाहे वो रिगार्डलेस के उसका मज़हब क्या है, ज़ात क्या है, रंग क्या है, जेंडर क्या है, उसको बराबर के हकूक़ होने चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ पे इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, उसको जो वसाइल हैं दुनिया में उस पर बराबर की दस्तरस होनी चाहिए, क्योंकि जो वसाइल हैं जो उनको कंट्रोल करता है उसी का अपर हैंड होता है। अगर आप देख लें अपने फैमिली लेवल पे देख लें, आप नेशनल लेवल पे देख लें, सोसाइटी के लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, तो जो लोग कंट्रोल करते हैं फैमिली लेवल पे भी जो कमाता है उसी की बात चलती है, सोसाइटी के लेवल पे जो खान हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, मिल ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं की बात चलती है, कानून उन्हीं की मर्ज़ी से बनते हैं, पार्लियामेंट में वही लोग आते हैं, इलेक्ट भी वही लोग होते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लें तो जो मुल्क इस दुनिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं वही मुल्क जो हैं वो छोटे मुल्कों पे अपना कब्ज़ा जमाते हैं, उनसे अपनी बातें मनवाते हैं, वो चाहे IMF के थ्रू हो, चाहे WTO के थ्रू हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, चाहे किसी और ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू हो। दैट सो द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड एट द फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल बिटवीन क्लासेस, और वो जब तक क्लासेस आप ख़त्म नहीं करेंगी कभी बराबरी नहीं आ सकती। तो हम ये समझते हैं कि ये इशू जो है वेमेन डेप्रिवेशन का, जिस पर कि आज बात हो रही है, ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड है क्लास डेप्रिवेशन के साथ। और जब तक ये क्लास का सिस्टम ख़त्म नहीं होगा तब तक हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये वेमेन डेप्रिवेशन ख़त्म हो सकती है। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो उसके पैम्फलेट्स हमारे साथ कुछ साथी आए हैं वो आपको देंगे। तो हमारा मकसद यही है कि एक क्लासलेस सोसाइटी का क़याम किया जाए जिसमें सब इंसान बराबर हों। तो अगर आपको ये बात पसंद है, अगर आप इससे एग्री करते हैं, तो उसके मेंबर बन जाइए, हमारा हाथ बटाइए और जद्दोजहद में हमारे शरीक होइए। थैंक यू सो मच।